आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कानून मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर पलटवार, कहा देश अभी पहले प्रधानमंत्री की गलतियों की कीमत चुका रहा है। विवाह पंजीकरण को लेकर केरल में हाई कोर्ट की दो टुक, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए धर्म पर विचार का कोई आधार नहीं। उपराष्ट्रपति ने सीमाओं के विस्तार पर मानवाधिकारों को लेकर जताई चिंता, का भारत का इस नीति पर विश्वास नहीं। जम्मू में एक साल से रह रहे 12 लोगों को मतदाता बनाने का फैसला वापस, राजनीतिक पार्टियां कर रही थी विरोध। भाकपा नेताओं ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, विधानसभा उपचुनाव में समर्थन का दिया भरोसा। अंबेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस 15,75,000 चोरी के मोबाइल को किया बरामद। औरैया में पुलिस ने शौक पूरा करने के लिए वारदात करने वाले 4 लुटेरों को पकड़ा, पूछताछ के बहाने लूटा था मोबाइल व रुपए। कानपुर में किशोरी से छेड़छाड़ करना चौधरी और उसके दोस्तों को पड़ा भारी, किशोरी ने बीच सड़क चौधरी का उतारा आशिकी का भूत। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम जोन 6 में की कमी आई सामने, रोड पर सड़के कम, गड्ढे ज्यादा होने से वाहन अस्त व्यस्त। कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट से सड़क में गड्ढे गिरी बाइक, मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। पाकिस्तान में बस में आग लगने से 18 जिंदा जले, सभी बाढ़ पीड़ित, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी के कारण हुआ हादसा। यूक्रेन को मिला अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम, जर्मनी ने दिया अपना सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ARSI-TSLM। संयुक्त राष्ट्र में रूस को लगा दूसरा झटका, 143 वोट के साथ निंदा प्रस्ताव पास, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। जापान ने 8 सैटेलाइटों के साथ उड़े अपने रॉकेट को खुद कर दिया तबाह, फिर लोगों से मांगी माफी। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर लगी पाक को लताड़, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमारा अभिन्न अंग। गांगुली दूसरी बार बनना चाहते थे बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बोर्ड के अधिकारियों ने दिया था साथ, आईपीएल के चेयरमैन भी नहीं बने। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया, मलान ने खेली 82 रन का धमाकेदार पारी, सीरीज में 2-0 से आगे। सुशील कुमार पर हत्या के मामले में आरोप तय, ओलंपिक मेडलिस्ट सहित 18 लोगों को हो सकती है सजा। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए भरी उड़ान, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान ने इस तरह बढ़ाया शमी भाई का हौसला। चीते की तरह तेज बेन स्ट्रोक ने बाउंड्री पर दिखाया जलवा, शानदार फील्डिंग से बचा, ऐसे दर्शक देखते रह गए। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जानवी कपूर, ऑल व्हाइट लुक में दिखे स्टाइलिश, मुस्कुराते हुए प्रॉजी को दिए पोज। टीवी एक्ट्रेस कनिष्का सोनी ने साजिद पर लगाए आरोप, 2 बार गलत डिमांड की, भारत वापस नहीं आऊंगी, वो मुझे मार देंगे। आमिर खान के विज्ञापन पर विवाद, शादी के बाद गृह प्रवेश पर दिखे एमपी के गृह मंत्री, बोले इसकी इजाजत नहीं।
डबल एक्सएल का ट्रेलर रिलीज हुआ, बॉडी शेमिंग करने वाले को करारा जवाब देंगे सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी। बेली का टीजर हुआ आउट, नर्स के रोल में नजर आएंगी जानवी कपूर, 4 नवंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिलहाल के लिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।